गर्मी जब इंसान को बेहाल करती है तो भगवान को भी जरूर लगती होगी। यही समझकर भक्त उन्हें राहत देने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इन दिनों बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए भक्त खास तरह के कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें लोग भगवान का कूलर कहते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए आम जनमानस तरह तरह के उपाय करता है। वृंदावन में भक्त अपने आराध्य को गर्मी से बचाने के लिए भी तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, जिसके लिए कोई फूल बंगलों का सहारा दे रहा है तो कोई नौका विहार का, या कोई आधुनिक तौर पर अपने आराध्य को ठंडक देने की कोशिश कर रहा है। मथुरा के वृंदावन में द्वारकाधीश मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भगवान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान को गर्मी न लग जाए, इसलिए यहाँ कूलर पंखे और एयर कंडीशन से भगवान को राहत दी जा रही है। द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी के सामने पानी के फुव्वारे भी चलाए जा रहे हैं, साथ ही ठंडे इत्र और चंदन का भी प्रयोग हो रहा है। वहीं ठाकुर जी के लिए मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा गया है। मौका मिलते ही भक्त यहाँ भगवान की हाथों से हवा कर रहे हैं। मंदिरों में हाथ से चलने वाले पंखों को भी लगाया गया है, जिसे भक्त एक डोरी के माध्यम से खींच भगवान को गर्मी से राहत दे रहे हैं। बता दें कि बिहारी जी को ताजगी देने के लिए फूल बंगले का सीजन शुरू हो चुका है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सैकड़ों कारीगर अपनी कारीगरी से ठाकुर जी के लिए फूल बंगले तैयार करने में जुटे हैं, और इन फूल बंगलों में कई तरह के फूलों का प्रयोग किया जा रहा है। भक्त अपने भगवान को गर्मी से बचाने के लिए तमाम इंतजाम करता है। हालांकि ये बात और है, जो सबको ठंडक देता है उसे ठंडक की क्या जरूरत, लेकिन ये तो भक्त की भक्ति ही है जो अपने आराध्य को कष्ट में नहीं देखना चाहती। कैमरामैन पिंटू और सहयोगी पवन शर्मा के साथ मैं पूजा झा, लाइव खबर।